Good afternoon, guys. Good afternoon to you all. Okay, perfect, guys. Quickly join so that we can start with our topic today. And that is nothing but hello, Imran. Hello, Falguni. Nice to see you all here. We are going to continue with cockroach. है ना cockroach का आज last part जो बचा हुआ है fourth वाला part वो हम आज discuss करेंगे. That is nothing but the reproductive structure. ठीक है. Hello, आलोक. Hello, शशिकांत. Okay, wonderful, guys. Okay. तो चलो जल्दी जल्दी हम लोग शुरू कर देते हैं. आज हमारे टॉपिक से एनसीईआरटी भी डिकोड करेंगे जो कि हम नीट 2020 के लिए कर रहे हैं. तो आपको पता है 3 बज क्या है और आज हम नीट 2020 का करते हैं, है ना. चलो बढ़िया, वंडरफुल. आई एम गुड, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल टू, है ना. ओके, तो शुरू करने से पहले आई वेलकम यू ऑल टू नीट वॉयस चैनल, वन ऑफ द चैनल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनएकेडमी. एंड एक बहुत अच्छी सी खबर है आप सबके लिए. आपको पता है कि यूट्यूब फ्राइडे होता है, राइट. एवरी हफ्ते हम यूट्यूब फ्राइडे करते हैं. तो YouTube Friday में हम टारगेट 2020 के लिए, राइट, 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नीट में आ सकता है वो लेके आ रहे हैं. ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का टोटल मिला के आपको 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्राइडे में. मैराथन सेशन होगा आपका, एक के बाद एक सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, है ना. आपकी फिजिक्स मैम, आपकी बॉटनी मैम, आपकी मैं जूलॉजी मैम हूँ एंड आपकी केमिस्ट्री मैम, है ना. तो सारे आपके टीचर्स और एजुकेटर्स जो है आपको 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर लाइव सॉल्व करवाएंगे. ठीक है, परफेक्ट. हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ, 3 3 आवर्स वाला मैराथन सेशन होगा फाल्गुनी, बिल्कुल सही. ओके, थैंक यू इमरान, थैंक यू सो मच. ओके, 11 का शशिकांत, 11 का यूजुअली मेरा जो होता है वो आपकी 7 to 8 होता है मंडे को, और फ्राइडे तो ये हो जाता है तो मंडे को होता है. और एक मैं ऐप में क्लास लेती हूँ उसका, ठीक है, ऐप में क्लास लेती हूँ यूजुअली मैं 11 का मोस्टली. ठीक है, जैसे कि आज आपका 5 o'clock ऐप में मैं क्वेश्चन एयर करने वाली हूँ. किस चैप्टर का? 2 फिजियोलॉजी चैप्टर का, एक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक डाइजेशन एब्जॉर्प्शन. क्योंकि ये दोनों चैप्टर ही हमारे हो गए हैं तो हमने दोनों चैप्टर का मिला के कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करना है हमें ऐप में. तो सिर्फ डिस्कस, सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, मैं हर एक क्वेश्चन के बारे में ही बताऊंगी, डिस्कशन भी अच्छे से होगा. और आज 7 o'clock आपकी मेंटी है, याद है ना, आज थर्सडे है, थर्सडे को हम मेंटी करेंगे. और 7 to 8 आपकी मेंटी है पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का, क्योंकि वो चैप्टर फिनिश हो गया है तो हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे उसका. ठीक है, ऐसे हर हफ्ते में 2 बार हम मेंटी करते रहेंगे किसी ना किसी चैप्टर का. हो सकता है एक चैप्टर को मैं फिर से रिपीट करूं लेकिन क्वेश्चन अलग होंगे, है ना. अच्छी बात है वो, क्योंकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, परफेक्ट. नहीं बेटा, कल नहीं था मेरा क्लास. हेलो सानिया, ओके. हेलो राहुल, वंडरफुल. ओके, सो फिर शुरू करते हैं. हम शुरू करने से पहले आपको पता है अगर आप आज के स्पेशल क्लास में आना चाहते हो तो आपको स्पेशल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. उससे पहले यहाँ पे बहुत लोग हैं जो मुझे जानते हैं, पुराने स्टूडेंट मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, जो नए हैं आई लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम स्वागता मुखर्जी एंड आई हैव 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव टॉट इन मेजर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया. आई हैव ऑल्सो वर्कड एज अ JRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो इन IISc बैंगलोर, एंड देन आई जॉइन एकेडमिक टीम हियर. And I have also produced research in AFMC, in ICER Pune, and also in major MBBS colleges of India. Now, अगर आपको अनअकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है उसके कुछ छोटे से स्टेप्स में बता देती हूँ. और स्टेप्स बताने से पहले आपको रीजन बता देती हूँ कि करना क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है. देखो, लाइव क्लासेस वहाँ पे बहुत लोगों ने आपने ऑलरेडी आके देखा होगा, है ना, आपने अटेंड किया होगा हमारे सेशन, है ना. हाँ जी बेटा, मेंटी होगा डाइजेशन का मंडे को. मंडे को शायद कोई और चैप्टर लिया है मैं देखती हूँ, अगर मैंने चेंज किया है तो आई लेट यू नो. ठीक है, अभी तो फिलहाल आपका आज 2 चैप्टर का एक क्वेश्चन होगा ऐप में और मेंटी हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 7 से 8 यूट्यूब पे नीट वॉयस चैनल में. ठीक है, ओके. दूसरा, यू ऑल नो कि वहाँ पे एजुकेटर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा बेटर होता है ना. लाइक आप वहाँ पे भी आ सकते हो 2 अलग अलग कॉलम से, वहाँ पे कुछ बेटर तरीके से भी हम पढ़ाते हैं, मतलब लाइक क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी होती है. ठीक है, तो आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ना चाहो आप बस उनका नाम डालो और आपको उसका सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो लाइव चल रहा है, जो पहले हो चुका है, आप कुछ भी देख सकते हो. ठीक है, ओके. उसके अलावा लाइव पोल्स होता है जो कि मैं आज करने वाली हूँ. आपको MCQs है मेरे पास, क्वेश्चन एयर का मतलब ही होता है कि क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शंस, है ना, और फ्यू ऑप्शंस. तो वो 4 ऑप्शंस में दूंगी आपको नीट के पैटर्न का, आपको चूज करना पड़ेगा. ABCD लीडर बोर्ड जनरेट होगा, मैं वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. ठीक है ना, फिर आपका आता है टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज में भी आप अपनी परफॉर्मेंस खुद एनालाइज कर सकते हो, अपना स्कोर आप देख सकते हो, टाइमर वगैरह सब कुछ, आपकी टाइम मैनेजमेंट वहाँ हो जाएगी, क्वेश्चन पैटर्न पता चल जाएगा. और जो सबसे बेस्ट फीचर है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म का, दैट इज नथिंग बट लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन. तो सिर्फ अलग सा सेशन होता है जिसमें हम सिर्फ डाउट्स क्लियर करते हैं. ठीक है, ओके. ये हमारे कुछ बेस्ट एजुकेटर्स है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे. और अगर आपको डाउनलोड करना है
Unacademical Learning App. You just type Unacademy Learning App on the Google Play Store and then install it. इंस्टॉल करने के बाद आप प्लस पे जाइए तो आपके पास तीन ऑप्शन आएगा, एक प्लस, एक फ्री कोर्स, एक स्पेशल क्लासेस. तो जो मैं आज लेने वाली हूँ दैट इज नथिंग बट द स्पेशल क्लास, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है ना. आप बस प्लस पे क्लिक कीजिए, नीट यूजी पे क्लिक कीजिए क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना, आप लोग बिल्कुल बनोगे. फिर आप जस्ट गेट द सब्सक्रिप्शन. उसके बाद सब्सक्रिप्शन के लिए मैं बताऊंगी कि अगर आप इस साल अपीयर होने वाले हो तो ये जो तीन पहला ऑप्शन है ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है. तो इन तीनों ऑप्शन में से आप कोई एक चूज कर सकते हो. अगर सपोज आप 12th पे हो और आप नेक्स्ट ईयर अपीयर करने वाले हो तो आप ये वाला ले सकते हो, एक साल वाला जो 2500 पर मंथ है. अगर आप 11th में हो और दो साल बाद अगर आप अपीयर करने वाले हो तो आप ये 24 मंथ वाला ले सकते हो जो और भी ऑलमोस्ट 75% ऑफ होता है उसमें एंड 1500 पर मंथ है उसका, है ना. बहुत ही ज़्यादा ये अफोर्डेबल है, इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा पूरे टोटल अमाउंट में. आप जो भी ले रहे हो सारे में से अगर आपने जो मेरा नाम है SWAGATA स्वागता, इसको एज अ कोड अगर आपने अप्लाई किया सो यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट. ठीक है, अब आपको पता है कि हम ऑलरेडी नीट टेलीग्राम ऐप में है तो हमारे टेलीग्राम ऐप का ग्रुप का नाम ये है. ये वाला एड्रेस आप टाइप कीजिए, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन में क्लिक कर सकते हैं. यू विल ज्वाइन आवर टेलीग्राम ऐप ग्रुप. ठीक है, ओके गाइस, परफेक्ट. हेलो वैष्णवी, ओके, हेलो आयशा, वंडरफुल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, दैट इज योर कॉकरोच का टाइप स्टडी हम कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू डीकोड एनसीआरटी एंड वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द एनाटॉमी. अगेन हम लोग अब तक क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ एनाटॉमी पढ़ रहे थे, राइट. हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, रेस्पिरेटरी देख लिया, एक्सक्रीटरी भी देख लिया, राइट. तो ये आपकी पूरी की पूरी एनसीआरटी की लाइन जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है तो हम इसको भी एक एक करके पढ़ेंगे और साथ में दोनों रिप्रोडक्शन सिस्टम को हम अच्छे से समझेंगे. ठीक है, हेलो रितिक, चलो. तो आपके यहाँ पे एज यू कैन सी हियर, लेट मी चूज अ हाईलाइटर, लेट मी चूज, ओके, दिस इज अ परफेक्ट हाईलाइट, ओके. सो एज इट इज रिटन इन द एनसीआरटी दैट कॉकरोचेस दे आर डाइशियस. मैंने आपको पहले ही बताया था डाइशियस का मतलब क्या होता है, सेक्सेस आर सेपरेट, राइट. सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है और दो अलग इंडिविजुअल्स हैं. एक मेल इंडिविजुअल है जो सिर्फ मेल गोनाड्स को कैरी कर रहा है, एक आपकी फीमेल इंडिविजुअल है जो फीमेल गोनाड को कैरी कर रहे हैं, राइट. नाउ बोथ सेक्सेस आर वेरी वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड है. क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वो भी हम पढ़ेंगे बिल्कुल. ठीक है, नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस लाइंग ऑन ईच लैटरल साइड ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, राइट. फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज थिन वास्ट डिफरेंस विच ओपन इन टू इजैक्युलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल. तो चलो इन सब के बारे में पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते, देन विल कम बैक टू एनसीईआरटी अगेन. ठीक है, चलो, परफेक्ट, वंडरफुल. हेलो राहुल, ओके, करेक्ट. हाँ जी, हाँ जी राहुल, मैं बता दूंगी आपको हाँ कि क्या हो रहा है, कौन सा हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन मिनटी में बता दूंगी एंड ऑफ द सेशन. चलो तो हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं. चलो तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में हमको पढ़ना है, राइट. चलो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चूज अ पेन हियर, ओके. नाउ सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया, आई टोल्ड यू दैट दे आर डाइशियस, राइट. डाइशियस का मतलब क्या होता है, दे आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल, है ना, यूनिसेक्सुअल. दैट मीन्स द सेक्सेस आर सेपरेट, सो द सेक्सेस आर सेपरेट, है ना, परफेक्ट. नाउ कॉकरोचेस में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दिखेगा, यू विल नॉट सी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा आपको एंड आर दे ओविपैरस और वीविपैरस, वो एग ले करते हैं, सो ऑब्वियसली दे आर ओविपैरस. ठीक है, ओके. इनकी फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, सो इनकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है, सो फीमेल के जेनाइटल चेंबर, उथिकल चेंबर भी हम बोलते हैं, उसमें यूजुअली उनकी फर्टिलाइजेशन होती है. तो क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, नाउ डू दे शो एनी लार्वल स्टेजेस, उनकी कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है बट एक निम्फल स्टेज जरूर होता है. ये निम्फल स्टेज क्या है ये भी हम देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको. ठीक है, दैट मीन्स दे शो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस. उनकी लाइफ साइकिल में बहुत सारी चेंजेस आती है तब जाके एक एग से एडल्ट बनता है.
ठीक है, तो चलो इस बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखना, रिप्रोडक्टिव यूनिट देखना है। किसका देखेंगे हम? सबसे पहले मेल्स का देखेंगे, ठीक है। ओके, तो क्या बताया था, मेल में क्या क्या प्रेजेंट है, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, एंड दैट इज नथिंग बट दे हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट। सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है उनमें, राइट। उसके अलावा और क्या प्रेजेंट है, दे हैव बास डिफरेंस, ठीक है। सारे पार्ट्स में यहाँ लिख रही हूँ, फिर मैं स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी आप सबको, ठीक है। ओके परफेक्ट, हाँ जी, हेलो वैष्णवी, हेलो ऋतिक, हाँ जी मैंने देखा आप सबका नाम, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे हो। चलो बास डिफरेंस, बास डिफरेंस, ये सारे नाम देख लो क्योंकि इनका स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना है, ठीक है। ओके, उसके अलावा क्या है, देर इज अ ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट है, मशरूम ग्लैंड को हम एक्सेसरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी हम बोल सकते हैं। मशरूम ग्लैंड के कुछ पार्ट होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या आ जाता है, देन नथिंग बट द इजैक्युलेटरी डक्ट, ओके। इजैक्युलेटरी डक्ट भी एक पार्ट है उनके सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके अलावा और क्या पार्ट है इजैक्युलेटरी डक्ट के अलावा, यू विल गेट टू सी नथिंग बट प्रेजेंस ऑफ अनदर ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज फैलिक ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, ओके, फैलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। उसके अलावा देयर इज प्रेजेंस ऑफ नथिंग बट गोनापोफाइसिस, गोनापोफाइसिस आर नथिंग बट दे आर द स्क्लेराइट्स, स्क्लेराइट्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, स्क्लेराइट्स आर नथिंग बट काइटिनस एक्सोस्केलेटन, कॉकरोच के या किसी भी इंसेक्ट की एक एक सेगमेंट के ऊपर आपको एक एक स्क्लेराइट दिखेगा। तो जो स्क्लेराइट उनकी जेनाइटल स्ट्रक्चर को कवर की हुई है हम उसको क्या बोलेंगे, गोनापोफाइसिस, ठीक है। फंक्शन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं उनका पूरा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे दो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो चलो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एज यू कैन सी, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हियर, ओके। सबसे पहले दो टेस्टिस है, टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है, यूजुअली फोर्थ टू सिक्स्थ सेगमेंट तक प्रेजेंट है, ओके। तो आपको दिख रहा होगा ये शुरुआत आपके फोर्थ के एंड से हुआ है, सिक्स्थ में खत्म हुआ है। सो फोर्थ टू सिक्स्थ सेगमेंट में यू आर गोइंग टू सी अ टेस्टिस, टू टेस्टिस इन फैक्ट, ओके। सो इट शुड बी टेस्टिस इज फॉर सिंगुलर, ईएसईएस इज फॉर प्लूरल, राइट। नाउ टेस्टिस का काम क्या है, दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में होने वाला है, ठीक है, ओके। सो टेस्टिस में प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद जो स्पर्म है, इमैच्योर स्पर्म है, दी स्पर्माटोजोआ दे आर गोइंग टू गेट कैरी फॉरवर्ड टू नथिंग बट वाया बास डिफरेंस। तो बास डिफरेंस जो है उसको कैरी फॉर, ये बास डिफरेंस है, ये इसको कैरी करेगी और जाके कहाँ पे वो स्टोर कर देगी, दे आर गोइंग टू स्टोर इट इन नथिंग बट सेमाइनल वेसिकल। तो अंदर जो आपको ये छोटे छोटे स्मॉल डक्ट्स दिख रहे हैं, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट द सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल का फंक्शन क्या है यहाँ पे, सेमाइनल वेसिकल दे आर गोइंग टू स्टोर द स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, राइट। अब ये स्पर्मेटोजोआ को ऐसे खाली इधर उधर ऐसे करके नहीं स्टोर करती है, ये सारे स्पर्मेटोजोआ का एक क्लस्टर बनाती है, स्टिकी बनाती है उसको और एक दूसरे के साथ चिपका के रखती है, ठीक है। तो हमें वो देखना है कि ये है क्या फिर, सो लेट सी दैट हियर। तो सपोज ये है आपका स्पर्मेटोजोआ, सो लेट मी ड्रॉ इट हियर, ओके परफेक्ट। सो सपोज ये है आपका स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ये स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटोजोआ है, ये सारे स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है, और ये सारे के सारे एक साथ क्लस्टर में फॉर्म बंधे हुए, ठीक है। सो दीज आर ऑल दी स्पर्मेटोजोआ, सो लेट मी राइट इट हियर, दिस इज नथिंग बट दी क्लस्टर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ। किसने मैन्युफैक्चर किया है, टेस्टिस ने, कहाँ पे स्टोर हुआ है, सेमाइनल वेसिकल में, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको सेमाइनल वेसिकल से बाहर आना है वाया इजैक्युलेटरी डक्ट। तो सेमाइनल वेसिकल खुलता है कहाँ पे, इजैक्युलेटरी डक्ट में, सो दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द इजैक्युलेटरी डक्ट। बट व्हेन द स्पर्मेटोजोआ कम्स हियर फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, इसके साथ साथ कुछ और सिक्रीशन भी होता है, क्या क्या सिक्रीशन होता है, मशरूम ग्लैंड जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, दिस इज द एंटायर मशरूम ग्लैंड। सो कैन यू सी द इनर स्मॉल मशरूम ग्लैंड के बारे में एक बार मैं बता देती हूँ, ये छोटे छोटे रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं अंदर,
this thing is nothing but, this red color thing is nothing but, this is the seminal vesicle. Okay, so these are the seminal vesicles, many seminal vesicles. Okay, now उसके बाहर जो आपको ये long tubules दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे long tubules दिख रहे हैं, these long tubules are nothing but, all these long tubules, these are nothing but your utriculi majoris. Okay, utriculi majoris, because these are long tubules. Okay, long tubules. Sometimes the utriculi majora is also called as uricose gland. Now, do you remember? मैंने last class में आपको बताया था uricose gland के बारे में. जब मैं excretory system पढ़ा रही थी cockroach का, I told you कि apart from Malpighian tubule or fat body or nephrocyte, they also have uricose gland as an excretory structure. Uricose gland भी secrete करता है क्या? Uric acid. But it is a part of male reproductive system. तो ये बिल्कुल uric acid release करता है. कहाँ करता है, कैसे कर रहा है, मैं सब बता रही हूँ आपको. ठीक है, ओके. इसके अलावा आपको कुछ छोटे से और भी आपको छोटे छोटे tubules दिखते हैं इन दोनों के बीच में, seminal vesicle और utriculi majora के बीच में, and that is nothing but the utriculi minoris. So that is your utriculi minoris. Okay, now this utriculi minoris also called as nothing but small tubules. Small tubules. Now these entire three structure, ये जो तीनों के तीनों structure बनाया हुआ है ना, ये flower mushroom जैसा नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मशरूम ग्लैंड. तो मशरूम ग्लैंड हैज थ्री पार्ट्स, इसमें तीन चीजें हैं. तीन चीजें क्या क्या है? Uricose gland, also called as utriculi majoris, seminal vesicle, and your utriculi minoris. ठीक है, so आपकी mushroom gland, that is nothing but an accessory gland of the reproductive system of male. ठीक है, तो seminal vesicle ने क्या किया? Seminal vesicle ने सबसे पहले अपने जो sperm को store करके रखा था, and it is going to, you know, nourish the sperm. उसके बाद that sperm is going to come down here. What is this structure? This is nothing but the ejaculatory duct. So this is the ejaculatory duct. So once it comes to the ejaculatory duct in the form of this, इसके form में आएगा structures, spermatozoa cluster. But कुछ और चीजें भी होती हैं यहाँ पे. क्या होती है आपकी, जो आपकी, हाँ जी, hello अभिषेक, hello hello मालतेश, perfect. Yes. Now today we are going to have a mentee 7 PM है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया human reproduction के ऊपर. Now जैसे ejaculatory duct में आया, ये जो utriculi majora था, राइट, दिस मेजोरस, दे आर गोइंग टू रिलीज अ सीक्रीशन. कौन से कलर से मैंने बनाया था? ग्रीन. तो चलो ग्रीन ही बनाती हूँ मैं. दे आर गोइंग टू रिलीज अ लेयर अपॉन इट. सो दे आर गोइंग टू रिलीज अ लेयर अपॉन इट. किस चीज का लेयर है ये? दिस इज अ लेयर ऑफ यूरिक एसिड. सो उसने यूरिक एसिड का एक लेयर यहाँ पे इसके ऊपर बना दिया, एक छोटा सा गैप भी छोड़ा जिसके थ्रू आपके स्पर्मेटोजोआ बाहर आ सके. सो वॉट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द इनर मोस्ट लेयर. सो दिस इज द innermost layer secreted by, please remember this, ये सारी structure important है. वो पूछते हैं innermost, outermost and middle layer of spermatophore. हम spermatophore का ही structure यहाँ पे देख रहे हैं. So that innermost layer secreted by your uricose gland or long tubules. ठीक है, uricose gland also called as the long tubules. ठीक है, perfect. उसके बाद आपकी जो इनर स्मॉल टिब्यूल्स था, ये जो स्मॉल टिब्यूल्स था वो भी अपना सिक्रीशन यहाँ पे रिलीज करता है, अपना सिक्रीशन अंदर यहाँ पे रिलीज करता है. ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यूजुअली स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, द सिक्रीशंस फ्रॉम योर स्मॉल टिब्यूल प्रोवाइड्स nourishment to the spermatozoa, provide nourishment to the spermatozoa. ये कहाँ पे है आपके? Innermost layer के अंदर, जहाँ पे sperm का cluster present है. ठीक है, okay. अब आपका, हम लोग अब बात करते हैं तीसरा वाला क्या है आपका? तीसरा वाला दूसरा वाला जो लेयर है, दैट इज अबव द इनर मोस्ट लेयर. दिस पर्टिकुलर लेयर हियर इज द मिडिल लेयर. सो दिस मिडिल लेयर इज सिक्रीटेड बाय योर इजैक्यूलेटरी डक्ट.
ये स्पर्म आया कहाँ पे था? इजैकुलेटरी डक्ट में आया था. सो इजैकुलेटरी डक्ट, सो हियर वी सी, इजैकुलेटरी डक्ट में आया, किसके साथ आया? स्पर्मेटोजोआ था, उसके ऊपर एक लेयर था. किसका लेयर था? वो यूट्रिपलाई मेजोरस का लेयर था, इनर मोस्ट लेयर. अब इजैकुलेटरी डक्ट ने इसके ऊपर एक और लेयर प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है. अब ये धीरे धीरे नीचे आएगी. कहाँ पे नीचे आई? नीचे आते आते इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी. ये मेल गोनोपोर है ना, मेल गोनोपोर है. जैसे ही मेल गोनोपोर से निकली, कहाँ पे जाएगी? ऑब्वियसली इट विल एंटर द फीमेल ट्रैक. तब क्या होगा कि एक और यहाँ पे ग्लैंड है. कैन यू सी अनदर ग्लैंड ओवर हियर? लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर. ओके, कैन यू सी अनदर ग्लैंड ओवर हियर? दिस पर्टिकुलर ग्लैंड, और ये उसका डक्ट है, राइट. दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज फैलिक ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड एज नथिंग बट वॉट? कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड. आई रोट इट, है ना, मैंने ऊपर लिखा था कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड भी होता है. तो ये कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड फाइनली उसके ऊपर थर्ड लेयर प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है. तो कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड ने क्या किया? एक और लेयर इसके ऊपर प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है. एक और लेयर इसके ऊपर प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है. सो वॉट इज दिस? दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर सिक्रीटेड बाय, आउटर मोस्ट लेयर सिक्रीटेड बाय कॉन्ग्लोबेट और फैलिक ग्लैंड. कॉन्ग्लोबेट और फैलिक ग्लैंड, ठीक है. ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको यहां दिख रहा है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ स्पर्मेटोफोर. स्पर्मेटोफोर, अ सिंगल स्पर्मेटोफोर कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्पर्म इनसाइड. बहुत सारे क्लस्टर ऑफ स्पर्मेटोजोआ होते हैं उसमें, राइट. सो इट इज नथिंग बट अ स्पर्मेटोफोर. दिस स्पर्मेटोफोर इज सीक्रेटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल, ठीक है. और ये फीमेल के स्पर्माथिका में जाके स्टोर हो जाता है. आई विल शो यू व्हाट इज अ स्पर्माथिका जब हम फीमेल वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है. परफेक्ट, वंडरफुल. नाउ लेट्स सी हियर. तो ये आपके स्ट्रक्चर्स हो गए. किसके? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. कैसे आया? मैंने आपको बता दिया, ठीक है. यूट्रिकुलर ग्लैंड का ही मतलब है आपका लॉन्ग, आपका पूरा मशरूम ग्लैंड. उसमें आपके क्या क्या स्ट्रक्चर है? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है, आपकी सेमाइनल वेसिकल है, नथिंग बट अ शॉर्ट ट्यूब्यूल. स्मॉल ट्यूब्यूल्स भी आपके प्रेजेंट है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया स्ट्रक्चर में, ठीक है. परफेक्ट, वंडरफुल. ओके, नाउ लेट्स सी हियर. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, फिर हम देखेंगे कि कॉपुलेशन कैसे होता है, राइट. सो लेट्स सी द कॉपुलेशन हियर. सो लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर हियर. Just a second. Okay. Now, female reproductive system में present क्या क्या है? There is presence of nothing but ovaries, right? Ovaries. कितने ovaries हैं आपके? 8 pairs हैं. ठीक है, 8 pairs हैं. दूसरा आपका क्या है? Ovary. कितने pair है ovary? 1 pair. ठीक है, 1 pair. क्या है ovariole, ovary? मैं बताऊंगी. Then there is nothing but present of your oviduct. Right, oviducts, two oviducts, and there is presence of nothing but a common oviduct. Okay, common oviduct, which is also called as the vagina. Right, vagina. Uske alawa aur kya present hai? There is presence of spermatheca. I'll show you all this structure in the form of a diagram. I'll show you everything. Spermatheca, and then there is presence of collateral gland. Collateral gland. Okay, just a second. Collateral gland here. Okay. उसके अलावा और क्या प्रेजेंट है? There is presence of nothing but a genital chamber. Genital chamber. And lastly, we have gonapophysis. They also have gonapophysis. I told you what are gonapophysis. These are nothing but the sclerites or the chitinous exoskeleton covering or protecting the entire genital tract. Entire reproductive system, right? So let's see the parts of your female reproductive system now. Now, ovary के बारे में मैंने बताया, ये आपका पूरा एक अकेला ovary है. यहाँ भी आपका एक अकेला ovary है. Each ovary is composed or made up of 8 ovaries. So what are these 8 ovaries? ये एक ovariole है, ये एक ovariole है, ये एक ovariole है. So these are nothing but the ovaries. ठीक है? ओवरियोल्स, ये आटो के आटो ओवरियल ने मिला के एक ओवरी बनाई हुई है, ठीक है ना. ये ओवरियोल्स का काम क्या है? ओवरियोल्स ही आपकी एक्चुअल में एग्स बनाती है. सो एज यू कैन सी हियर द ऑल द ओवरियोल्स हियर, इनसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे अराइज हो रहा है. कैन यू सी द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर नथिंग बट कॉल्ड एज फिलामेंट्स. दे कुड बी ऑल्सो कॉल्ड एज, लेट मी राइट इट हियर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लिगामेंट्स.
तो ये ओवरी को ऐसे जस्ट लूजली घूमने नहीं देती है. वाया दिस लिगामेंट्स और वाया दिस ओवरियन लिगामेंट्स ईच ओवरी इज अटैच टू द फैट बॉडी, तो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर ऐसे प्रॉपर पोजिशन में इंटैक्ट रहती है, वरना ओवरी ऐसे से हिलेगा. जैसे हमारे बॉडी में मेसेंट्रीज प्रेजेंट होते हैं ना, सारे स्ट्रक्चर को प्रॉपर एरिया में लगा के रखने के लिए, राइट. ओके परफेक्ट. नाउ हाँ जी सैफ, नो नो एंडोथेलियम इज नॉट एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोथेलियम इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. ओके नाउ सॉरी एंडोथेलियम इज यस मीजोडर्मल इन ओरिजिन, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. नाउ दे आर नॉट एंडोडर्मल, एंडोडर्मल इज योर एंटायर गट लाइनिंग इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है. ओके एंडोथेलियम इज अ स्क्वैमश एपिथेलियम, सो इट्स एन एपिथेलियम सेल एंड दैट एपिथेलियम इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस ओवरियन लिगामेंट ने क्या किया है, इट अटैचेस attaches each ovary to the fat bodies and the body wall as well, usko intact position mein laga ke rakhne ke liye, theek hai, perfect. Now moving on, let's see here. To agar aapko yahan pe dikh raha hai that the each ovaries mein aapko dikh raha hai yahan pe ek circle hai, this is an immature egg, ye dheere dheere mature hota hai. So this is just like the process of oogenesis and finally the mature egg comes here और फिर वो oviduct से left oviduct right oviduct है. So this is suppose is nothing but the right oviduct here and this is the left oviduct here and फिर it comes into the common oviduct. The common oviduct is also called as vagina, ठीक है, vagina भी उसको बोलते हैं. Common oviduct से फिर आपका egg आके यहाँ पे store हो जाता है. तो this is the lone egg, okay? So this is suppose is the egg, so it gets stored here. नाउ स्पर्म कहाँ पे, कहाँ से आएगा स्पर्म, तो पहले ही आ गया था. ये देखो, कैन यू सी द कॉपुलेशन हियर, दिस इज सपोज अ फीमेल, सपोज दिस इज अ फीमेल कॉकरोच एंड दिस इज सपोज अ मेल कॉकरोच एंड दे आर कॉपुलेटिंग. सो ड्यूरिंग द कॉपुलेशन मेल ने क्या किया था, द मेल हैज रिलीज द स्पर्मेटोफोर, तो यहाँ से पूरा स्पर्मेटोफोर बाहर निकला था और वो स्पर्मेटोफोर आके कहाँ पे, ये स्पर्मेटोफोर का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, राइट, ये स्पर्मेटोफोर आके कहां पे स्टोर हो गया, ये स्पर्मेथिका में. कैन यू सी द स्पर्मेथिका हियर, दिस इज आल्सो अ स्पर्मेथिका. दो स्ट्रक्चर मैंने लिए, जो आपको इजी लगे आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है. तो स्पर्मेटो, ये स्पर्मेथिका में स्टोर हो गया स्पर्म. अब यहाँ एग वेट कर रहा है, राइट, और सारे के सारे स्पर्मेटोफोर कहाँ थे, यहाँ पे स्टोर था, है ना, स्पर्मेटोफोर. अब स्पर्मेटोफोर से एक एक करके स्पर्म यहाँ रिलीज होगा और कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये स्पर्म्स है सारे के सारे, तो यहाँ पे आपकी फर्टिलाइजेशन हो रही है. कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, यूजुअली नथिंग बट द जेनाइटल चेम्बर, ये आपका पूरा का पूरा जेनाइटल चेम्बर है. यहाँ पे स्पर्म्स आया, फिर आपका एग भी आया और यहाँ पे आपकी फर्टिलाइजेशन हुई. सो व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन आर दे शोइंग, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, परफेक्ट. नाउ सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया, ओके, अब इसको क्या करना है, इस फर्टिलाइज्ड एग को बाहर ले करना है, बट बाहर प्रोटेक्शन की जरूरत है एग को. तो वो क्या करते हैं, व्हेन दे आर ले, सपोज दिस इज द एग दैट हैज बीन फॉर्म्ड, सपोज ये जेनाइटल चेम्बर था, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द जेनाइटल चेम्बर, ओके, यहां से वो रिलीज होगा, दिस इज नथिंग बट द जेनाइटल चेम्बर, ओके, जेनाइटल चेम्बर ऑफ द फीमेल, हम फीमेल की बात कर रहे हैं. यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो एग था ये एग फॉर्म हो गया, सपोज दिस इज द एग हियर, सो दिस इज अ फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, ओके. नाउ बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग है, ऐसे एक थोड़ी था, बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग है, तो ये क्या करेगी, सारे एग को एक एक करके रिलीज करेगी और ऐसे ना स्टैक की फॉर्म में अरेंज कर देगी. दे आर गोइंग टू अरेंज ऑल द एग एज अ स्टैक और इसके ऊपर दे आर गोइंग टू सिक्रीट अ काइटिनस स्ट्रक्चर अपॉन इट. दिस काइटिनस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऊथिका. किसने रिलीज किया, कौन से बॉडी पार्ट ने रिलीज किया, फीमेल की, नथिंग बट द कोलैटरल ग्लैंड. डिड यू सी द कोलैटरल ग्लैंड हियर, यू सी द, ये देखो एक कोलैटरल ग्लैंड है, यहां भी मैंने कोलैटरल ग्लैंड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये कोलैटरल ग्लैंड, इसको एक्सरी ग्लैंड बोला हुआ है. The name is actually collateral gland. So can you see the collateral gland here? They are going to secrete a structure that is called as oothika. So this is oothika. Okay, oothika. और ऐसे oothika को कुछ दिनों तक, एक दो दिनों तक ये female ऐसे ही लेके चलती है.
कैसे होल्ड करते, इट इज होल्डेड विद द हेल्प ऑफ, आई शो यू अ स्ट्रक्चर, डोंट वरी. सो दे होल्ड दिस ऊथिका विद द हेल्प ऑफ द एनल सर्की दैट दे हैव. यू नो दैट एवरी मेल और फीमेल कॉकरोच, बोथ ऑफ देम दे हैव एन एनल सर्की, है ना. और दिस एनल सर्काई, एनल सर्काइट अराइजेस फ्रॉम वॉट, दिस इज सपोज द एनल सर्काई. एनल सर्काई 10th टर्गम से, सर्कस इज द सिंगल वर्ड एंड सर्काई इज प्लूरल, ठीक है, 10th टर्गम से ओरिजिनेट हो रही है, राइट. सो ये कोलैटरियल ग्लैंड में आपका, यहाँ पे कोलैटरियल ग्लैंड प्रेजेंट है, सपोज दिस इज द कोलैटरियल ग्लैंड, ओके. ऐसे यहाँ भी प्रेजेंट है, बट ये थोड़ा रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है. सो दे हैव रिलीज्ड व्हाट, दिस ऊथिकल चेंबर, ओके. सो कोलैटरियल ग्लैंड, लेट मी राइट दिस हियर, कोलैटरियल ग्लैंड विल सिक्रीट द ऊथिकल चेंबर, ओके, दैट इज द ऊथिका हियर. उसके अंदर एक ऐसे स्टैक की तरह वहां पे अरेंज हो जाएगा. नाउ सी, दिस इज हाउ अ कॉकरोच, अ फीमेल कॉकरोच कैरियर ऊथिका. कैन यू सी द ऊथिका हियर? ये ऊथिका दिख रहा है, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर, एक आपको वेंट्रली भी दिखा रही हूँ मैं. कैन यू सी द, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चूज अ कलर हियर. कैन यू सी द एनल सर्काई? दिस इज द एनल सर्काई, दिख रहा है ये एनल सर्काई, दोनों तरफ एनल सर्काई है, ये भी एनल सर्काई है. इसने क्या किया, ऊथिका को होल्ड किया हुआ है. दिस इज नथिंग बट द ऊथिका, ओके. ये ऊथिका है, इसके इसको पकड़ के वो कुछ दिनों तक चलती है, फिर उनको जब सूटेबल एरिया दिखता है वहां पे वो इसको रख के आ जाती है. मोस्टली इन द यू नो डैम्प मॉइस्ट एरिया, जहाँ पे यू नो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो थोड़ा सा, वहां पे इसको स्टोर करके आ जाती है, ठीक है. तो ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, ये आपके एनसीईआरटी में भी यही चीज लिखा हुआ है. जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू. नाउ सी हियर, ओके, लेट मी जस्ट चूज अ highlighted and I'll show you, okay. See here, sperms are transferred, okay, the red color is too much, let me use a different color, okay, I think this is fine. Sperms are transferred through spermatophores, their fertilized eggs are encased in a capsule called oothika. Oothika is a dark reddish blackish brown capsule around 8 mm long, and they are dropped or glued to a suitable surface, usually in a crack or crevice of high relative humidity near a food source, ठीक है. On an average, एक female 9 to 10 उथिका produce करती है अपने पूरे lifetime में. कितने? 9 to 10. And each उथिका contain 14 to 16 eggs. तो देखो कितने cockroach पैदा होंगे. 10 into 16 कर लो, इतने सारे eggs होते हैं उसमें. एक एक उथिका में 14 to 16 eggs होते हैं, ठीक है, perfect. फिर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पेरीप्लैनेट अमेरिका ना, जब ये एग हैच आउट होते हैं, दैट डेवलपमेंट इज पाउरोमेटाबोलस. वॉट इज पाउरोमेटाबोलस? लेट्स टॉक अबाउट दैट, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी ये है, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ इसके लाइफ साइकिल भी, ठीक है, ओके. सी, पाउरोमेटाबोलस में क्या होता है यूजुअली, ऑफकोर्स दिस इज नथिंग बट द कॉप्यूलेशन टेकिंग प्लेस हियर, एज यू कैन सी इन दिस लाइफ साइकिल, कॉप्यूलेशन हो रहा है, ठीक है, ओके, परफेक्ट, फाल्गुनी, वंडरफुल. ओके, नाउ कॉपुलेशन हुआ, कॉपुलेशन के बाद क्या हुआ, ये ऊथिका था, ऊथिका के अंदर देखो एग्स, सारे एग्स अटैच्ड है, बहुत सारे, है ना, ओके, ये एग्स अटैच्ड है. अब एग्स क्या हुआ, एग्स हैच आउट होगा. जैसे एग्स हैच आउट होता है ना, मैं आपको ऐसा दिखेगा, ये व्हाइट कलर के कॉकरोच दिखेंगे निकलते हुए. क्यों पता है व्हाइट कलर के? क्योंकि इनका अभी तक ना ऊपर का एग्जोस्केलेटन बना नहीं है. आई टोल्ड यू दैट उनका बॉडी व्हाइट कलर का होता है, ऊपर का जो एग्जोस्केलेटन है द काइटिन, दैट इज ब्राउनिश इन कलर, डार्क ब्राउन ब्लैक भी होता है, ठीक है. तो ये अभी ये सारे के सारे जो निकले हैं अभी हैच आउट करके, दे आर कॉल्ड एज निम्फ, हम उसको लार्वा नहीं बोलेंगे. ये निम्फ क्या है, यहाँ भी आपको निम्फ दिख रही होंगी, ठीक है. तो ये निम्फ है क्या जो हैच आउट होके निकला है? तो यहाँ पे देखो, निम्फ निकला आपका हैच आउट होके, और फिर ये निम्फ फिर डेवलप होके एडल्ट बनता है. निम्फ जो आपका होता है, जब भी ये एग, निम्फ एंड इमैगो, इमैगो इज नथिंग बट द एडल्ट, ठीक है, इमैगो इज नथिंग बट द एडल्ट को ही हम इमैगो बोलते हैं. तो जब ये वाला मेटामॉर्फोसिस चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज पाउरोमेटाबोलिस. मतलब क्या होता है, जो निम्फ होता है वो इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है एडल्ट से. द ओनली डिफरेंस इज नथिंग बट इन द बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी मोड ऑफ लाइफ सेम होती है. यहाँ भी आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, दिस इज नथिंग बट द निम्फ एंड द एडल्ट, ठीक है. ये जो निम्फ है, इट अंडरगोस 9 to 13 मोल्ड्स. प्लीज याद रखो, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछ सकते हैं.
तो 13 बार मोल्टिंग करता है, तो 13 टाइम्स मोल्ट करता है, तो 13 आपके कितने हो गए, ऑलमोस्ट अराउंड 12 निम्फल स्टेज हो गए, है ना। तो ये सारे के सारे निम्फ एक डाइसिस शो कर रहे हैं, हर बार वो अपना साइज में थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, जितनी बार वो बड़ा हो रहा है उसको अपनी एक्सोस्केलेटन भी चेंज करनी होगी बिकॉज इट कैन नॉट एकोमोडेट इट सेल्फ, है ना। पुराने वाले एक्सोस्केलेटन में वो आएगा नहीं क्योंकि वो बड़ा हो गया साइज उसका, तो उसको क्या करता है, वो एक्डाइसिस करता है, शेड ऑफ करता है। मैंने आपको एक्डाइसिस पढ़ाया था, है ना, लास्ट क्लास में जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, ठीक है। तो 13 टाइम्स मोल करके ये एडल्ट बनता है। तो निम्फ का डिफरेंस क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। द निम्फ हियर इट इज सिमिलर टू द एडल्ट इन मोड ऑफ लाइफ। मोड ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है, खाना, हैबिटेट सब सेम है, कहाँ रह रहा है। आपने छोटे कॉकरोच बड़े कॉकरोच को एक ही जगह पे रहते हुए देखा है, ऐसा तो नहीं देखा कि छोटा कॉकरोच पानी में टैडपोल की तरह घूम रहा है और बड़ा कॉकरोच टेरेस्ट्रियल, ऐसा नहीं है ना। दोनों ही एक ही जगह पे रहते हैं, सेम हैबिटेट, सेम एनवायरमेंट प्रेफर करते हैं और खाना भी सेम होता है उनका। सो देयर मोड ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू द एडल्ट इन मोड ऑफ लाइफ, बट डिफर्स इन स्ट्रक्चर। जैसे आपका जो निम्फ है ऑब्वियसली साइज में छोटा है, एंड दे डू नॉट हैव विंग्स। विंग्स सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में ही मिलता है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एडल्ट कॉकरोच है, लेट मी जस्ट जूम दिस एरिया, ये आपको जूम करके मैं दिखा देती हूँ। इसके पास, निम्फ के पास कोई विंग्स नहीं है, एडल्ट कॉकरोच के पास विंग्स है। तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, लेकिन इनकी मोड ऑफ लाइफ सिमिलर होती है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज स्पोरो मेटाबोलिस्म, एंड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज अ लार्वा वी कॉल इट एज अ निम्फ। लार्वा का मोड ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चर दोनों ही डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, परफेक्ट। चलो लेट मी एस्केप दिस हियर। ओके, चलो ये समझ में आया आपको कैसे कैरी कर रहा है वो ये सारे स्ट्रक्चर। ये देखो फिर आपका ये ऊथिका हो गया, दिस इज नथिंग बट एन ऊथिका, ठीक है। एक एक ऊथिका में कितने एग्स होते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 14 to 16 एग्स है इसके अंदर, है ना। इन अ लाइफ टाइम अ फीमेल कॉकरोच में प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका, ठीक है। तो ये आपका निम्फ स्टेज वन, सो दिस इज निम्फल स्टेज वन, दिस इज निम्फल स्टेज टू, निम्फल स्टेज थ्री, दिस इज नथिंग बट द निम्फल स्टेज फोर, एंड फाइनली इट बिकम्स एन एडल्ट, ठीक है। ऐसे कितने बार होता है टोटल, आपका ऐसे करते करते 13 टाइम्स मोल्ड होता है, मैंने अभी आपको वही बताया था, ठीक है। ओके, आपको ये भी पता है कि दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये मैंने पहले भी बताया था, इसलिए मैंने दोबारा जस्ट एक डायग्राम दिया हुआ है। ये मैंने मॉर्फोलॉजी के वक्त ही बताया था दैट दी फीमेल एंड मेल कॉकरोच दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब मेल एंड फीमेल को आप ऊपर से देख के बता सकते हो कौन सा मेल कॉकरोच है कौन सा फीमेल कॉकरोच है। सो ये वाला जो है फीमेल कॉकरोच क्यों है ये, बिकॉज इसके पास सिर्फ एनल सरकाई है, एनल स्टाइल नहीं है, बट इनके पास देखो एनल सरकाई भी है और ये एनल स्टाइल भी है। कौन है ये, मेल कॉकरोच है। मैंने आपको बताया था कि एनल सरकाई जो है वो आपकी जो सरकाई है इट अराइजेस फ्रॉम द 10th टर्गम से अराइज होता है, राइट। और जो आपका एनल स्टाइल है इट अराइजेस फ्रॉम नथिंग बट द 9th sternum। स्टर्नम क्या था आपका, वेंट्रल स्क्लेराइट, टर्गम क्या था, डॉर्सल स्क्लेराइट, ठीक है। तो ये उनके स्ट्रक्चर थे जैसे कि मैंने आपको बताया। एक बार फिर से वापस जाके एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एनसीईआरटी हियर, कहाँ गया एनसीईआरटी, हाँ जी है। ओके चलो, नाउ एज आई सेड दैट योर दे आर पैरोमेटाबोलिस, मीनिंग दैट दे आर डेवलपमेंट थ्रू अ निम्फल स्टेज, जो कि मैंने आपको बोला निम्फल स्टेज। द निम्फ लुक्स वेरी मच लाइक एन एडल्ट, द निम्फ ग्रोज बाई मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द एडल्ट फॉर्म, यही मैंने आपको बताया था, राइट। द नेक्स्ट टू द लास्ट लिम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स, बट ओनली द एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स, ठीक है। ओके, फीमेल एंड मेल का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। मेल का हम पढ़ रहे थे 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में उनकी टेस्टिस प्रेजेंट होती है, एक इजैकुलेटरी डक्ट होता है, एक वास डिफरेंस होता है, सेमाइनल वेसिकल होता है। द इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है आपका वो ओपन्स इनटू द मेल गोनोपोर, राइट, एंड अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th and 7th एब्डोमिनल सेगमेंट विच फंक्शन एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ठीक है ना। द एक्सटर्नल जेनिटालिया भी उनकी होती है, दैट इज नथिंग बट द गोनापोफाइसिस। ओके, गोनापोफाइसिस क्या है, मैंने आपको बताया था काइटिनस स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर, दैट इज द स्क्लेराइट,
Okay, perfect. So the sperms are stored in the seminal vesicle and they are glued together to form a bundle called as spermatophore. यही मैंने बताया, मैंने इसके सारे structure भी दिखा दिए, right? The female reproductive system जो है उनका, it consists of two large ovaries lying laterally in the second to sixth abdominal segment. ये fourth to sixth abdominal segment में testis होता है. Ovary second to sixth abdominal segment में present होता है. Each ovary is formed of a group of eight ovarian tubules called as ovarioles. ये भी मैंने आपको structure दिखा है. Ovarioles ही आपकी एक एक ovarioles में germination होके mitosis वगैरह show होता है and then they show nothing but the formation of gametes here. Okay? Now, they containing a chain of developing ova. I showed you that too. So, they show a developing ova. Now, the oviducts of each unite into a single median oviduct, also called as the vagina, which opens into the genital chamber. A pair of spermatheca is also present in the sixth segment, which opens into the genital chamber. Aur ye aapki genital chamber mein hi kya hoti hai? Fertilization hota hai. Spermatheca mein kya store hota hai? Spermatophore. Jo during copulation, the female might have received it. Theek hai? Perfect. Okay. Hanji. Sorry? Ek covering mein 10 uthika ki covering ko kya kehte hai? No. You got it wrong, Kunal. Wait, I'll show you again what is Uthika. This is an Uthika here. A single Uthika contains 14 to 16 eggs. Aise 10 bar wo Uthika produce kar sakti hai ek female apne lifetime mein. Theek hai? Apne lifetime mein wo 10 Uthikas banati hai. Each Uthika mein aapke 10 eggs hote hai. Sorry, each Uthika mein aapke 14 to 16 eggs hote hai. Theek hai? Jo ki maine aapko abhi dikhaya tha. Theek hai? Perfect. आज स्पेशल क्लास नहीं, आज मेंटी क्लास है आपका 7 to 8. उसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि 7 to 8 थर्सडे को हम 12th का पोर्शन करते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, तो उसका आज मेंटी क्विज होने वाला है. उसके पहले अभी 5 o'clock स्पेशल क्लास में भी क्वेश्चन एयर होगा आपका. क्वेश्चन एयर विल बी ऑन 2 फिजियोलॉजिकल चैप्टर. वन इज योर डाइजेशन एब्सॉर्प्शन एंड द अदर वन इज नथिंग बट योर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. इन दोनों चैप्टर का आज हम क्वेश्चन एयर करेंगे. एमसीक्यूज एंड लाइव पोल्स होगा आपका स्पेशल क्लास के. आप में स्पेशल क्लास में आप आ सकते हो 5 o'clock. ओके, परफेक्ट. यस, ओके, राइट, करेक्ट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. आई विल गो थ्रू ऑल द स्लाइड्स वंस अगेन ताकि आपको एक बार दिख जाए, ठीक है, सारे के सारे. सो लेट मी जस्ट गो टू द फर्स्ट स्लाइड हियर. जस्ट अ सेकेंड. ओके, राइट. सो हियर वी गो. सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैंने सारे बता दिए थे आपको, राइट. दे आर शोइंग मेटामॉर्फोसिस. व्हाट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस डू दे शो? इज नथिंग बट पावरो मेटाबोलिस. पावरो मेटाबोलिस का मतलब क्या होता है? मैंने लिखा हुआ था आपका, दैट इज नथिंग बट इज द प्रेजेंस ऑफ अ निम्फल स्टेज, राइट. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं. इन सारे स्ट्रक्चर्स के मैंने आपको पार्ट यहाँ पे समझाया. स्पर्मेटोफोर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन क्या क्या सिक्रीट करता है, मशरूम ग्लैंड के पार्ट क्या है, वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया, राइट. तो उनकी सिक्रीशन मैंने आपको दिखा दिया कि सारे, ये आपकी इनर वाली क्लस्टर ऑफ स्पर्मेटोजोआ है, राइट. इसके ऊपर 3 लेयर होते हैं. इनर मोस्ट क्या है? इनर मोस्ट सिक्रीटेड बाय नथिंग बट द यूरिकोस ग्लैंड. जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है वो सिक्रीट करता है इसको. क्या सिक्रीशन होता है इसमें? नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ यूरिक एसिड. वो यूरिक एसिड इसमें रिलीज कर, सिक्रीट कर देते हैं. उसके ऊपर यू हैव नथिंग बट अ मिडिल लेयर विच इज कॉल्ड एज द इजैकुलेटरी डक्ट से बना हुआ होता है ना. इजैकुलेटरी डक्ट भी इसको बनाता है, सेकेंड वाला लेयर. थर्ड वाला जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज फॉर्म बाय नथिंग बट द फैलिक और द कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड, ठीक है. ओके, अब अंदर आपकी क्लस्टर ऑफ स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट है. ये पूरा का पूरा स्पर्मेटोफोर जाके कहाँ स्टोर हो जाता है? ये स्पर्मेथिका में स्टोर होता है. ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है स्पर्मेथिका फीमेल की, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स है, राइट. तो यहाँ पे स्पर्मेथिका में स्पर्म स्टोर हो जाता है. जब ये अपनी एग को रिलीज कर लेते हैं, सारे के सारे एग्स को, कहाँ पे? इस एरिया में. व्हाट इज दिस एरिया कॉल्ड एज? द यूथिकल चेंबर और द जेनाइटल चेंबर. यहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ से स्पर्म आता है. ओवा तो पहले था ही. फिर कोलैटरल ग्लैंड जो है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, कोलैटरल ग्लैंड विल प्रोड्यूस नथिंग बट एन ऊथिका. उसके अंदर फिर एक एक करके फर्टिलाइज्ड एग ऐसे स्टोर हो जाएंगे. तो उसका भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी जेनाइटल चेंबर के अंदर हो रहा है. सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है यहाँ पे, राइट. फिर वो एक एक करके ऊथिका के अंदर ये सारे के सारे एग्स
ये एग्स यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं. कितने एग्स होते हैं? 14 to 16 पर उथिका. ठीक है, राइट. किसने बनाया उथिका? कोलैटेरियल ग्लैंड ने बनाया. ठीक है ना, ये कॉपुलेशन का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया. कॉपुलेशन में दिस इज हाउ अ फीमेल कॉकरोच विल ट्रांसमिट ऑल इट्स स्पर्मेटोजोआ इनटू द स्पर्मेटिका ऑफ द फीमेल. लाइफ साइकिल पोरोमेटाबोलस टाइप ऑफ इनकी मेटामॉर्फोसिस है. एक जो निम्फल स्टेज है, ये जो निम्फ है यहाँ पे कितने बार मोल्ड करता है? ये 13 टाइम्स मोल्ड करता है, तब जाके एडल्ट बनता है. निम्फ और आपके एडल्ट के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी बता. दिस इज नथिंग बट अ फीमेल कैरिंग ऑल द उथिका. उथिका को वो कुछ दिनों तक कैरी करती है जब तक उसको कोई सूटेबल एनवायरमेंट नहीं मिलता जहाँ पे उसको स्टोर कर सके. ठीक है, ड्रॉप कर सके उथिका को. एनल सर्काई के थ्रू उसको लेके जाती है. एंड देन दिस इज नथिंग बट द हैचिंग आउट ऑफ द उथिका. उथिका में अंदर एग था, एग हैच आउट हो गया और ये नथिंग बट बेबी निम्फ बाहर निकल गए. ये वाइट कलर के क्यों है? क्योंकि अभी तक इनकी स्क्लेराइट या एक्सोस्केलेटन बनी नहीं है. जब एक्सोस्केलेटन बनेगी जो काइटिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है, देन इट वुड लुक, इट विल गेट अ पिगमेंटेशन, द डार्क ब्राउन और द ब्राउन कलर टाइप ऑफ पिगमेंटेशन. राइट, ये सारे स्टेजेस मैंने आपको दिखाए एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दोबारा मैंने आपको बता दिया. राइट, तो यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइक विल स्टार्ट विथ नथिंग बट द फिजियोलॉजी फॉर नीट 2020. ठीक है, क्योंकि आपकी एनिमल टिश्यू हो गई, एनिमल किंगडम हो गया और आपका कॉकरोच टाइप स्टडी भी हो गया. ठीक है, तो हम एनसीईआरटी डिकोड कर रहे हैं नीट 2020 के लिए. तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में आपकी डाइजेशन से शुरू करेंगे. पूरा डाइजेशन एनसीईआरटी में जितना भी पार्ट दिया हुआ है वो सारा हम पढ़ लेंगे यहाँ पे. ठीक है, ओके गाइस, सो आई विल सी यू एट 5 o'clock इन द ऐप एंड देन एट 7 o'clock फॉर द मेंटीज क्विज. ओके, सो बिफोर यू गो, अगर आप ऐप में आ रहे हो तो आप इस तरह से आ सकते हो. जस्ट डाउनलोड लर्निंग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप. राइट, उसको इंस्टॉल कीजिए. इंस्टॉल करने के बाद यू हैव टू गो टू प्लस. राइट, प्लस में क्लिक करना है. उसके अलावा फ्री कोर्सेज एंड स्पेशल क्लासेस भी होती है. जो आज होने वाली वो स्पेशल क्लास है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है. तो जस्ट क्लिक ऑन प्लस, क्लिक ऑन नीट यूजी एंड गेट द सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अगर आपको चॉइसेस बहुत सारे हैं यहाँ पे, अगर आप इस साल अपीयर कर रहे हो तो यू कैन चूज दिस 3 ऑप्शंस में से एक. राइट, अगर आप नेक्स्ट ईयर देने वाले, सपोज यू आर इन 12th स्टैंडर्ड एंड यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर नीट नेक्स्ट ईयर, देन यू कैन चूज दिस 12 मंथ ऑप्शन, दैट इज 2500 पर मंथ देना है. अगर आप सपोज 11th में हो और आप 2 साल बाद नीट के लिए अपीयर करने वाले हो तो आप ये वाला 24 मंथ, दैट इज 2 ईयर्स वाला आप ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, 1500 पर मंथ. तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, ये बहुत ज़्यादा कम कर देता है, ऑलमोस्ट 75% ऑफ हो जाता है. इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा अगर आपने, जो मेरा नाम है SWAGATA स्वागता, इसको एज अ कोड अगर आपने अप्लाई किया, सो यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ ऑन द एंटायर अमाउंट. ठीक है, सो इसका PDF मैं डाउनलोड करवा दूंगी, सॉरी अपलोड करवा दूंगी. एंड आप प्लीज़ इस कोड को मत भूलिए. जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप इस कोड को यूज़ कीजिए. यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ. ठीक है, ओके गाइस, सो आई सी यू ऑल देन. हाँ जी बिल्कुल, फिजियोलॉजी फिर हम ऑलरेडी, फिजियोलॉजी आपका 11th एंड 12th का तो चल ही रहा है ना, तो वहाँ पे हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं ज़्यादा. नीट 2020 के लिए हम उसका NCERT डिकोड करेंगे, तो वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. आप चाहे तो 11th का कोर्स का भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है. डाइजेशन का, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, रिप्रोडक्शन चैप्टर भी हो गया है, तो आप ये देख सकते हो. ठीक है, ओके गाइस, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन, दैट इज 5 o'clock ऑन द स्पेशल क्लास. चलो गाइस, बाय एंड टेक केयर.